एनसीसी भर्ती परीक्षा 2023 क्विज टेस्ट 28 कौन बनेगा आज का विनर, जिनका 20 में 20 सही होगा वही विनर होंगे। तो डेली आप टाइम से टेस्ट देंगे और रात को 8 बजे लाइव क्लास करने कीजिएगा। सबसे पहले जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एनसीसी की सारी बेस्ट जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? इति, इतिहास, अंत या समाप्त। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी भर्ती के पूछे गए क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इति। सेकंड, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 8, 9, 10, 11। व्हाट आर द नंबर ऑफ नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9। थर्ड, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? जापान में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में या पेरिस में? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरिस में। फोर, मनुज का विलोम शब्द क्या है? अनुज, दनुज, राक्षस या इति? मतलब अपोजिट वर्ड बताना, हिंदी ग्रामर भी आपके एग्जाम में पूछा है भर्ती में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दनुज। फिफ्थ, डबल ए आई का फुल फॉर्म लिखें। एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट ऑथर ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया? डबल ए आई का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिक्स, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, जॉर्ज गास्टिन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या लॉर्ड कैनिंग ने? गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज गास्टी ने। टेस्ट आप लोग पूरा देंगे। सेवन, संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 121 भाषाएं, 48 भाषाएं, 22 भाषाएं या 149 भाषाएं? मतलब कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 भाषाएं। एट, रावण के पिता का नाम क्या था? विश्रवा, महारावण, कुंभकर्ण या मेघनाथ? व्हाट वॉज द फादर्स नेम ऑफ रावण? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्रवा। नाइन, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1869 में, 1947 में या 1971 में? व्हेन वाज यूनेस्को एस्टेब्लिश्ड? ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1945 में। टेन, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या संस्कृत? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी। 11, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बनारस? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी? परफेक्ट होना चाहिए, मोस्ट बीबीआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली, न्यू दिल्ली में। 12, महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा में। 13, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण, क्लोरोफिल के कारण या फोटोसिंथेसिस के कारण? किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट, 14, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 22 मेडल, 7 मेडल, 19 मेडल या 61 मेडल? टोटल पूछ रहा, गोल्ड मेडल नहीं पूछ रहा, ध्यान देना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 61 मेडल। सॉरी, ऑप्शन डी में है ना, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी है, ठीक, ए नहीं। 15, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु को या छत्तीसगढ़ को? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था?
टोक्यो में, मुंबई में, बर्मिंघम में या पेरिस में? कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्मिंघम में। 17 मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 5732 का एलसीएम निकाले, 140, 220, 180, 210। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 5732 का एलसीएम यानी लघुत्तम, 10 सेकंड। चलो जल्दी, बहुत इजी है, तो ध्यान दे। 5732 ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा, ऐसे निकालते हैं एलसीएम तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 10 = 30 और 210। सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है? तो डी होगा 210। 18 नीरज चोपड़ा रेशियो भाला फेंक, डबल रेशियो, तो कुश्ती रेशियो क्या होगा यहाँ पे? रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन या मीरा बाई चानू? यानी नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, तो कुश्ती का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रवि कुमार दहिया कुश्ती प्लेयर है। 19 एलपीजी का फुल फॉर्म लिखे, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज। इसमें 99% लोग हर बार गलत करते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं अच्छे से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। स्पेलिंग याद रखना, ठीक है? ऑप्शन रट्टा मार के नहीं आना, स्पेलिंग याद रखना। लास्ट क्वेश्चन आज का, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? चलिए टाइम अप, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद से। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करें, जिनका 20 में 20 सही, आप सभी को कांग्रेचुलेशन। बाकी लोग कितना सही की कमेंट करके बताएं। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सुबह में 8 बजे कंपटीशन की क्लास शुरू होगी, टाइम से कीजिएगा 8 बजे। रात को आपका लाइव क्लास होता है न्यू भर्ती का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज टेस्ट 29 में। अभी के लिए इतना है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।